जैसे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे घर को साफ रखने में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज ब्रूम होती है। झाड़ू का इस्तेमाल हर घर हर ऑफिस में किया जाता है। इसकी मार्केट डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। अजायदी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेकर आया है ब्रूम स्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप जान पाएंगे इस व्यवसाय के बारे में। रॉ मटेरियल। झाड़ू बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर टाइगर हिल ग्रास, पीवीसी रेजिंस, फाइन बाइंडिंग वायर, एडिटिव्स जैसे कि प्लास्टिसाइजर, स्टेबलाइजर्स की जरूरत होगी। मशीन्स। ब्रूम स्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करने के लिए आपको वेइंग मशीन, स्पेशल पर्पस प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, ब्रूम पैकेजिंग मशीन, इंजेक्ट प्रिंटिंग मशीन, ब्रूम ग्रास लॉकिंग मशीन, सैक स्टिचिंग मशीन की जरूरत होगी। इसके साथ ही इक्विपमेंट के तौर पर आपको कन्वेयर की जरूरत होगी। आप चाहें तो छोटे स्केल में सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ भी ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। I am Nanda Kumar. I am basically from Karnataka. I started my entrepreneurial journey right from 1986, and we started with in a small way in the northern Karnataka Hubli city, situated 400 kilometers away from Bangalore. For a natural grass broom, the natural grass that is this they in the northeastern language they call it as a phool jhadu. Jhadu grass is very essential. It constitutes almost all 55% of the broom. Process. सबसे पहले मेन रॉ मटेरियल के तौर पर टाइगर हिल ग्रास को प्रोक्योर करना होता है, जिसके बाद इसकी सॉर्टिंग की जाती है। अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करके टाइगर हिल ग्रास को कन्वेयर की मदद से प्लांट के अंदर लाया जाता है और साथ ही साथ ब्रूम के हैंडल्स बनाने के लिए स्पेशल पर्पस प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मिक्सर, एक्सट्रूडर, ब्लो मोल्डिंग मशीन और गाइडिंग मैकेनिज्म लगे होते हैं। हैंडल्स बनाने के लिए पीवीसी रेजिंस के साथ साथ डिफरेंट एडिटिव्स को मशीन में फीड किया जाता है, जिसके बाद मशीन इन रॉ मटेरियल को मिक्स करके ट्यूब की शेप में एक्सट्रूड करती है और इन ट्यूब की ब्लो मोल्डिंग करके ब्रूम हैंडल्स तैयार करती है, जिसके बाद इसे असेंबली सेशन में भेज दिया जाता है, जहां स्किल्ड लेबर मैनुअली ग्रास और हैंडल की जॉइनिंग करके सेमी फिनिश्ड ब्रूम तैयार करते हैं, जिसके बाद इन ब्रूम्स की लेंथ चेक करके इन्हें ब्रूम ग्रास लॉकिंग मशीन में भेजा जाता है, जिसकी मदद से ग्रास और हैंडल को एक साथ जोड़ लिया जाता है। आप चाहे तो स्टील वायर का इस्तेमाल करके भी ग्रास को एक साथ जोड़ सकते हैं। असेंबली प्रोसेस के साथ इन ब्रूम की पैकेजिंग को कन्वेयर के थ्रू प्रिंटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां इंजेक्ट प्रिंटिंग मशीन की मदद से मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट की जाती है, जिसके बाद इन्हें कार्टन्स में फिल करके मार्केट में सेल करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। एरिया। लार्ज स्केल ऑटोमेटिक ब्रूम स्टिक यूनिट सेटअप करने के लिए आपको लगभग 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वही स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप इस प्लांट को 1000 स्क्वायर फीट एरिया से भी शुरू कर सकते हैं। मैन पावर। किसी भी बिजनेस के लिए मैन पावर सबसे अहम होता है। अच्छे स्केल में एक ब्रूम स्टिक यूनिट को चलाने के लिए आपको लगभग 15 से 20 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 7 से 8 स्किल्ड, 8 से 10 अनस्किल्ड एक सुपरवाइजर हो सकते हैं। वही छोटे स्केल में आप ये व्यवसाय 3 मैन पावर के साथ भी शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। ब्रूम स्टिक मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्लांट को चलाने के लिए आपको 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। छोटे स्केल में सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आपको लगभग 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट।
बड़े स्केल पर फुली ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिन मशीन्स की रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्ट लगभग 35 से 40 लाख वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप इसे 50 से 55 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ स्मॉल स्केल पर आप इस बिजनेस को लगभग 7 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। जनरली आप इस बिजनेस में 20 से 25% तक का ग्रॉस मार्जिन अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस यानी किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, पर्सन्स गाइडेंस की जरूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी और ऑनलाइन वेबिनार्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं।